हमने इस बार शादी एंजॉय किया पता है। Assalamualaikum YouTube family, तो आपका भाई एक बार फिर तैयार हो गया, देख ले रफ एंड टफ, क्योंकि मैं ना पिछले ये शादी है ना, इससे पहले मैंने ना दो शादी और अटेंड की, जिसकी वजह से मेरी तबीयत जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है, गला मेरा बिल्कुल खराब हुआ हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो बाकी ये है कि सब तैयार हो चुके हैं, शादी का तीसरा दिन है, वलीमे का दिन है और सब रेडी हैं। ये देखे मेरे पीछे काके रेडी हैं सारे, और मेरी नया जो है ना वो बहुत प्यारी लग रही है, और वो और नाबिया का फ्राक भी देखा, फ्राक ही बहुत कमाल है, घूम के दिखा दे, घूम के दिखाओ जरा। तो मैं अबू अम्मी वगैरह जो है ना वो अभी जा चुके हैं, तो अब हम लोग रह गए। आशा भी आ गई है, आशा भी बिल्कुल तैयार है। आशा ने आज जो है ना मेरी तरह रफ एंड टफ सूट पहना है जो मैं पसंद करता हूँ। हाँ, तो अभी चलते हैं। तो अभी हम मसला ये हुआ है कि आज हम फिर वेट कर रहे हैं एक चीज का, दूध वाले का, वो लेट हो गया, जब से मैंने शादी सुनी है ना लेट आया, लेट आना शुरू हो गया, तो जी हम उसका वेट कर रहे हैं, वो आता है तो फिर हम सारे निकलते हैं। मैं ज्यादा वेट नहीं, क्योंकि आज भी ज्यादा दूर जाना है, आज हमने जाना भी बहुत दूर है, और कमाल का फंक्शन होने वाला है, बस फंक्शन भी बहुत कमाल का है, बहुत फंक्शन कमाल का है। ये शादी है ही कमाल की थी, आपको बताइए, आप देख ही रहे हैं, आपको पता चलेगा कितनी कमाल की शादी। और नाबिया ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया, क्यों नाबिया? नाबिया ने एंजॉय किया, शादी पे एंजॉय किया ना आपने? बहुत ज्यादा एंजॉय किया, तीनों दिन बहुत ज्यादा एंजॉय किया, और इतना खेले हैं, और बाद में आके ना ऐसे सो जाते थे, पता ही नहीं होता, थक जाते हैं ना बच्चे, थक जाते हैं, और मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है यार। और अयान आपने एंजॉय किया शादी को? बहुत ज्यादा, आज भी एंजॉय करेगा यार। अयान मुझसे बार बार पूछता है कि ये मेरे कजन है, तो ये मैं उसको बताता हूँ कि भाई तुम्हारे कदम भी है और तुम उनके मामू भी, और नहीं वो तुम्हारे नहीं, ये मामू लगता है मुझे। हाँ, यहाँ जो है ना उसका मामू भी मामू है, भी हो आप मामू हो ना उसके, जिसकी शादी है ना आप उसके मामू भी हो, क्योंकि वो मेरी कजन का बेटा है ना, वो हमें मामू कहता है, तो आप भी, आपको भी मामू ही। काका किधर रह गया? काका अब्दुल रहमान जो है ना, आज वो गया था, मैंने अबू के साथ जाना है, वो अबू के साथ चला गया, मैं अबू के साथ, हम ना अम्मी, वैसे भेजना नहीं चाहिए था, वो शरारती है बहुत ज्यादा, वैसे नहीं शरारते करेगा, अबू संभाल लेंगे। हाँ, तो अभी फिर हम वेट कर रहे हैं आपके सामने, वेट करते हैं और फिर चलते हैं, क्यों जी? सही लग गई है, देखना ना नया अपना सूट दिखा, अपने सारा सूट दिखा, से इतना से करके इधर देखो सूट दिखा ना, नया बता दे मुझे के ही है, अनाबी अनाबी सूट भी दिखाओ मामा, ये उसकी घड़ी देख के कह रही है मामा ये की, दोनों चीजें मेरी की तरह है। सादिया भाभी ने तो मेरे से स्टिकिंग भी कराई है, स्टिकिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरे पूरे सेट के पैसे लगवाए हैं, पूरे पूरे सेट। तैयार नहीं होती ये, नहीं या वाइफ आपकी तैयार नहीं होती, तो यार ये तीन दिन हमने गिला आपका दूर कर दिया। नहीं दूसरी बार की मैं पहले भी कराती थी, तब बच्चे ना, तब बच्चे दूध वाला आ गया है, तो तब आते नहीं नहीं पहले भी सारा अपना अपडेट रखते थे, लेकिन मसला आपको भी पता, जब बच्चे छोटे हो ना अपने आप को आप उस तरह सेट नहीं रख सकते। अब मशरा बेसिकली जब जो हाउस वाइफ होती है ना उनके पास इतना टाइम नहीं कि मेकअप करें, यही मेन बात है, मेन बात यकीन माने मेरा जो क्लिनजिंग का जो कुंवारी है ना वो तो जो मर्जी करते रहे जिधर मर्जी जाते रहे। मैंने क्लिनजिंग वगैरह स्क्रब जो लेती हूँ ना, मेरा प्लान होता है हर वीकली करूंगी, और कितने। अच्छा, एक ना बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि डाइट प्लान क्या है, वो मैं उसमें पूरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें वीडियो बहुत जल्दी आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि आजकल ये बहुत इश्यू है ये, क्योंकि वेट का मसला है, तो मेरा ये था कि इस तरह दो तीन मिनट की चीज से नहीं फायदा होना, पूरी एक वीडियो बना के ना फिर गाइड करूंगी। मैंने तो डाइट प्लान आपको बताया था, लेकिन वो मेरे पर उल्टा चल गया, आप लोगों की नजर लग गई है, वेट दोबारा गेन होना शुरू हो गया, क्योंकि खाने पीने शादी है और ये वो, मैं तो वॉक स्टार्ट करते हैं, मैं तो जिम, मैं सोच रहा हूँ जिम ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि मैंने जब रेव की शादी थी ना उस समय मैंने दो साल जिम किया था, और मैंने काफी वेट, मैंने अपनी शादी पे तो इवन 15 केजी अपना वेट कम किया था, और वो तो तुमने ये इंशाल्लाह इस पर दोबारा इस पर काम करूंगा। तो भी चलते हैं, आ गया है तो भी राम चलते हैं, बैठ गए, बाकी भी आ गए,
सारे बैठ गए, आज कुछ ज्यादा रश है वैसे। हां मैं भी देख रहा हूं, कंजेशन भी ज्यादा है आज, म्यूजिक भी है आज, कुछ बहुत सब चीज आ रही है। लो जी ये शेरिटन होटल है, यहाँ पर वेन्यू है और ये अम्मी बैठी हुई है तैयार होकर। आमना देखिए, ये हमारा काका जो है ना, ये बहुत पारा लग रहा है, बहुत पारा लग रहा है। इधर देखो वो आता है, देखा और आयशा भी बड़ी तैयार हो गई है, बाल बड़े अजीब से कराए हुए हैं, पता नहीं। सादिया भाई भी तैयार हैं, देव भाई तो रफ एंड टफ मेरी तरह है, बिल्कुल उसी तरह ही। कैसा लग रहा है? रश में बहुत ज्यादा रश है, हम जल्दी आ गए। अगर बाकी दोनों दिन में कोई भी नहीं इतना ज्यादा लोग, आज ज्यादा लोग वो सब लोगों को होता है कि हम जाए, नहीं यहाँ पे आके वही है कि इतना कोई नहीं। यहाँ पे सारे थमने लेने की नाकाम कोशिश हो रही है। मैंने खेज रहे हैं, ध्यान मैंने कहेंगे, मैंने खेज तो आप, मैं नहीं आना बिल्कुल। क्यों पिक्चर अभी जो है वो दूल्हा और दुल्हन जो लेट है वो भी हम सारे ना यहाँ पे पिक्चर बना रहे हैं। पहले यकीन था वो लेट ही है, हाँ तो सारे पिक्चर बना रहे हैं यहाँ पर सारे, पोर्ट्रेट नहीं सिंपल। एंट्री कब होनी है? एंट्री बस होने वाली है, बस थोड़ी देर में। रियान ने इस बार शादी एंजॉय किया, पता क्यों? रियान ने कोई वीडियो नहीं बनाई, रिलैक्स हो गए, एंजॉय किया। ऐसे नहीं, वैसे भी यहाँ कह रहा है मैंने ये शादी एंजॉय की। अच्छा क्या था, ये बड़ा मजा आया था, मजा आया मेहंदी में, बहुत मजा आया। इन्हें ना इतना नहीं पता कि कौन सी शादी कैसे होती थी पुरानी, अब ये पुरानी ऐसे होती है, दो दो तीन तीन बजे तक सुबह हो जाती थी। नाबिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मजा आ रहा है यहाँ पे। यान बैठा हुआ है, यान भूख लगी हुई है। दोपहर को क्या खाया था? कुछ भी नहीं खाया। यहाँ पे सारे खाने का वेट हो रहा है, सारे बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, वहाँ पे सारे पिक्चर ले रहे हैं, अभी खाना खुलने वाला है। यार भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, यार ने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाया अभी सब खाना खा रहे हैं। मेरा ये है, ये मैं लाया, ये नहीं पता नहीं कौन लाया, ये पता नहीं कौन इधर ले आया, कोई मान नहीं रहा कौन लाया। मजा आ रहा है, ठीक है अब खाना खाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो जी खाना सबने खा लिया था, तो इस वक्त जो है ना हम सारे कज़न फिर एक दफ़ा इकट्ठे हो गए थे, तो ये मेरे कज़न के बच्चे हैं सारे, तो ये हमारा नया यूट्यूबर है फैमिली का, हमज़ा लाइफस्टाइल के नाम से इसका चैनल है, और ये यानी कि काफ़ी फ़नी और अच्छी वीडियो बनाता है, यानी कि व्लॉगिंग भी करता है। तो यहाँ पर म्यूज़िक बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने जो है ना वो वॉइस ओवर किया है, म्यूज़िक लग गया था खाने के बाद ना, तो साथ में चाय पी रहा हूँ, साथ में इसके चैनल के बारे में बता रहा हूँ कि हमज़ा लाइफस्टाइल के नाम से इसका चैनल है और बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसकी वीडियोस देखें जाके, बहुत मज़ेदार वीडियोस होती हैं। शादी पे भी इसने तीनों व्लॉग बनाए हैं, हमारे साथ ही इसने बनाए थे, और बाकी मेरे कज़न साथ खड़े हुए हैं, और चाय भी इंजॉय हो रही है, और साथ ही इसको इसकी एक किस्म की प्रमोशन हो रही है, आप समझ रहे हैं ना। तो बहुत अच्छा बच्चा है, यानी कि वीडियो बनाता है, और आपने लाजमी इसके चैनल को देखना है। तो ये देखें जी, अब ये सारे मेरे कज़न के बच्चे हैं, ये सारे देखें, सारे इकट्ठे होते हैं, ये तो भी थोड़े से मैं दिखा रहा हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है सारे कज़न। पहले हम सारे इसी तरह रहते थे,
तो अब ये सारे एक फैमिली के साथ रहते हैं क्योंकि हमारी फैमिली अलहदा हम रह रहे हैं और ये अब अलहदा घर में रहते हैं। ये मेरे कज़न खड़े हुए हैं सारे, ठीक है, ये उनके सारे बच्चे हैं और ये अब्बू को भी ले आए, ये मेरा कज़न है अब्बू को भी ले आया। तो वो कह रहा है कि जी क्योंकि मेरे अब्बू सबसे छोटे थे भाइयों में तो वो चाचा जी कहते हैं। ये भी मेरा बड़ा कज़न है, सबसे बड़ा कज़न जो है ना ये मेरे हैं, दाढ़ी वाले जो हैं ये सबसे बड़े कज़न है। लाइफ बहुत बिजी हो गई हुई है जिसकी वजह से जो है ना सारे कज़न जो है ना सिर्फ ये शादी ब्याह पे ही जो है ना एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वरना बहुत कम इंटरेक्शन होती हैं, बहुत किसी किसी मौके पे जाके आपस में इंटरेक्शन होती है। लो जी अब जो है ना फंक्शन ख़त्म, शादी ख़त्म, सारे हम जा रहे हैं वापस, लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। सीढ़ियों से भी जा सकते हैं लेकिन अम्मी को लिफ्ट पे लेके जाना पड़ेगा। तो जी शादी से आगे हैं, यहाँ जो है वो रिलैक्स हो रहा है, पानी पी रहा है और भाई इधर हैं, बाकी बच्चे ऊपर चले गए। हाँ जी जो था रास्ते आज तो पता नहीं क्या था, उन्होंने सारे रोड बंद कर दिए हुए थे, हम वापस आ रहे थे इस वक्त बंद कर दिए हुए थे। और आयशा इंजॉय किया? बहुत इंजॉय किया, अब तो मैं दाग देख रही हूँ दाग के कपड़ों पे क्योंकि आज जो है ना बड़ा कंजेस्टेड था, वो हर कोई किसी को लग रहा है, किसी को लग रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा ना मेरे कपड़ों के ऊपर कोई चीज गिर गई यार, मुझे पता नहीं चला। मैं सोच रही थी साफ होंगे कि नहीं साफ होंगे। खैर कोई बात नहीं, क्या हो गया, नया ले लेंगे सूट, वैसे ये पुराना सूट है, ये मेरी अम्मी ने गिफ्ट किया था भाई, ये खराब नहीं होना चाहिए। हाय अपनी अम्मी का कितना ख्याल है, बहुत अच्छी। चलो आप तो मैं पहनने नहीं नेक्स्ट टाइम। हाँ जी यान साहब कैसा लगा, मजा आया? यान को जी शादी बहुत अच्छी लगी, बस ये आगे थोड़े तंग था आज, तंग था आज था, तो चाय नहीं पी हुई, अब चाय का कुछ करेंगे, गैस भी नहीं आ रही। तो जी बैड लग गया, चाय भी नहीं बन सकी, गैस चली गई यार। तो अभी ये थी हमारी शादी की सीरीज पूरी, तीन वीडियो आपको दिखाई है, ठीक है, मजा आ गया, बहुत इंजॉय किया है। और इसी तरह आगे एक और शादी आने वाली है, उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। कौन सी शादी होगी? बस आ रही है, मैं बताऊंगा बाद में, वो बड़ी दूर जाना है उसके लिए। तो जी खुश रहें और सबको खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।